श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग गए, भगवान ग्वाल वालों के संग बछड़े चराते हैं ना, गैया बछड़े चराते हैं भगवान। एक दिन क्या हुआ कि भगवान सारे मित्रों के संग बैठ के ना भोजन कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ना जब गैया चराने जाते तो उनकी माँ कुछ बांध देती, कोई अचार रोटी लेकर जाता, कोई पूड़ी अचार लेकर जाता, कोई मक्खन लेकर जाता, कोई लड्डू लेकर, सबकी मैया बांध देती और वो जंगल में जाके गैया चराते और जब भूख लगती तो अपना अपना प्रसादी खाते। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और भगवान के जितने सखा थे सब अगल बगल में बैठ करके और भगवान को खिला रहे थे। किसी की मैया लड्डू लाई तो वो कन्हैया को लड्डू खवाए, कोई का कोई की मैया दही और भात भेजी तो वो दही भात खवाए, कोई की मैया अचार रोटी भेजी तो वो अचार रोटी खवाए। सारे ग्वाल वाल भगवान को जो लाया जो वो भगवान जी को पहले खवाए और फिर खाए फिर खिलाए, कोई अचार लेके आए तो अचार खिलाए। अच्छा बहुत सारे बच्चे थे अचार रोटी लाए लेकिन सबका अचार अलग था, कोई नींबू का अचार लेके आया, कोई आम का अचार लेके आया, कोई इत्यादि अचार बहुत सारे लेके आए। तो भगवान सबका आनंद लेते तो भगवान क्या करते, उंगलियों पर ना एक यहाँ पर आम का अचार दबा लिया, यहाँ पर आंवले का अचार दबा लिया, यहाँ पर नींबू का अचार दबा लिया, यहाँ पर मिर्ची का अचार, ऐसे सारे अचार दबाए और भगवान ग्वाल वालों के हाथ से रोटी खाए और सारे अचार को एक बार में चाट लें। इस तरह से भगवान खा रहे थे। अभी भगवान खा ही रहे थे, ग्वाल वाल भगवान जी को खिला ही रहे थे। ग्वाल वाल ऐसे थे ना, उनकी मैया जो लाती ना वो कन्हैया को पहले खवाते, मतलब भोग लगाते, वो भगवान खाते। अब क्या हुआ कि भगवान का एक मित्र था, नाम था जो बहुत गरीब था, नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। जब वो भगवान को खाते हुए देखे ना तो वो रोने लग गया, रोने लगा। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, मंगल ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, यदि मेरी मैया ने मेरे लिए कुछ भेजा होता ना तो आज मैं भी कन्हैया को कुछ खिला रहा होता। तुम सबने भगवान को रोटी खवाई, कन्हैया को पूरी खवाई, लड्डू खवाए, भात खवाया, पर हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि हम कुछ लाए ही नहीं, हम गरीब है ना, हमारे घर रोटी नहीं बनती रोज रोज। अब उसने तो कहा किसी से था, पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, अंतर्यामी है, भगवान का नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है, जो अंदर की बात सुन ले, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सुन लेते हैं। उन्होंने सुन लिया और भगवान मंगल के पास आए। हाँ मंगल, ये बता सबने तो मुझे खिलाया कुछ ना कुछ, बता तूने क्या खिलाया, तू क्या लाया मेरे घर से, मेरे लिए तू अपने घर से। मंगल बोला कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं लाया। अरे तो लेकर आ। अब मंगल दौड़ा 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 घर गया, माँ माँ क्या हुआ, मैया थोड़ा कुछ खाने को है। मैया बोली लाला भूख लगी है, परसों कढ़ी बनाई थी वो रखी है, तू कहे तो तुझे कढ़ी परोस दूं। बेटा अपने घर कोई रोज रोज थोड़ी बनता है खाने को, इतनी गरीबी थी कि उनके घर में रोज रोज बनता ही नहीं था, कभी बन जाता था, बाकी तो कहीं से ना कुछ मिल ही जाता था तो खा लेते थे, रोज रोज कुछ बनता नहीं था। मंगल बोला मैया मुझे नहीं भूख लगी है, कन्हैया ने कुछ मांगा है कि तेरी मैया ने जो बनाया है वो लेकर आ। मैया तू बता तू क्या बनाई है। मैया बोली परसों कढ़ी बनी थी, तू कहे तो कढ़ी दे दूं। हाँ हाँ, मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन में मैया ने कढ़ी भरी और कढ़ी लेकर मंगल चला। अब मंगल रास्ते भर सोचता जाए कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, बड़ी खट्टी कढ़ी है, बड़ी खट्टी हो गई होगी, परंतु मांगा भी तो है उन्होंने, नहीं दिया तो वो कहेंगे कि कुछ लाया नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरे हाथ से कुछ खाएंगे। पर मंगल सोचा नहीं, यदि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया बीमार पड़ जाए, इसलिए मैं ये कढ़ी कन्हैया को नहीं दूंगा। यमुना के किनारे खड़े होकर मंगल ने वो सारी कढ़ी खुद पीने लगा। अभी पी ही रहा था मंगल इसलिए कि मैं मर जाऊं भले, मैं बीमार पड़ जाऊं भले, पर मेरे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बासी कढ़ी कन्हैया को पचेगी नहीं, वो तो राजकुमार है, वो जो बढ़िया बढ़िया खाने वाले, ये बासी कढ़ी थोड़ी खाएंगे।
अब मंगल पी ही रहा था कढ़ी कि भगवान की नजर पड़ गई। भगवान बोले, मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, क्या लाया सच्ची बता। अब मंगल तो और जल्दी जल्दी गड़गड़ गड़गड़ करके कड़ी पीने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए, मंगल ने देखा कि नहीं आ गए, छीन लेंगे, तो मटके को यमुना जी में फेंक दिया। पर कढ़ी जल्दी जल्दी पीना तो मुंह में कढ़ी भर रखी थी, भरी थी, जल्दी से अंदर भी नहीं गई। मंगल बोले, तूने पूरी गट कर ली, मेरे लिए लाया, खुद पी लिया, अब तेरे मुंह में जो है वो छोड़ के रखना। तो भगवान ने अपना मुख मंगल के मुख में लगाया ऐसे, और मंगल के गाल में ऐसे मारा, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। मंगल के अंदर जो कढ़ी मुंह में भर रखी थी, मुंह से मुंह लगा करके भगवान ने जब यूं किया तो मंगल के अंदर आ गई। भगवान ने भक्त की वो कढ़ी स्वीकार की। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ये कैसा भगवान है, यदि ये भगवान होता तो ये उगलन थोड़ी खाता है। अच्छा, कोई ऐसे खाता है क्या मुंह पे मुंह लगा के और खाए, ऐसा कौन खा सकता है, कोई नहीं। अच्छा, झूठा तो खा सकता है, उगला हुआ कौन खाता भाई बता, झूठा तो खाया जा सकता है। आप जिस थाली पर खाए हैं उस थाली पर कोई खा सकता है, जो आपका प्रेमी है, माँ है, इत्यादि है, पिता है, भाई है, बहन है, बहुत लोग खा सकते हैं एक थाली पर, क्यों जी। झूठा तो खाया जा सकता है, पर उगला हुआ नहीं खाया, उगला हुआ कौन खा सकता है जरा बताओ, उगला हुआ कौन खा सकता है। नहीं, आपके परिवार में कोई एक है जो आपका उगला हुआ खा सकता है, कौन? पूरे परिवार में आपके केवल एक सदस्य ऐसा है जो आपका उगला हुआ खा सकता है, बताओ वो कौन, बताओ आप बताओ भैया, उगला हुआ कौन खा सकता है आप बताओ। झूठा तो खा सकता है कोई भी, उगला हुआ कौन खा सकता है, कौन ये भैया बताएंगे, कोई नहीं, पता नहीं, थोड़ा जोर लगाओ पता चल जाएगा दिमाग पर। कौन है आपके परिवार में, आपके आसपास, जो आपका उगला हुआ, आपका चबाया हुआ खा सकता है, यदि आपका चबाया हुआ गिर जाए नीचे तो उसे वो खा सकता है, कौन? चीटी, चीटी कौन, कौन, कौन? कभी, चलो छोड़ो, कभी देखा है इस तरह से खाते हुए? नहीं, हमने देखा। इतने सारे रिश्ते होते हैं हमारे, मौसी है, बुआ है, चाची है, ताई है, बड़ी माँ है, चाची है, बहन है, भाई है, पिता है, सब है, लेकिन हर रिश्ते में एक ऐसा रिश्ता है जो आपका बच्चा उगल देता है, चबा करके रोटी खाए और खाके दी, वो दो बार चबाया उगल दिया, उसे माँ खा सकती है। उगला हुआ कौन खा सकता है, केवल माँ, बाप नहीं। उगला हुआ कौन खा सकता है, जोर से। इसलिए आज मंगल का उगला हुआ कौन खाया, भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भी माँ है, त्वमेव माता, मात पिता तुम मेरे। जैसे माँ ही बच्चे का उगलन खा सकती है, ऐसे भगवान ही भक्त का उगलन खा सकते हैं, और आज खा करके सिद्ध किया कि मैं तुम्हारा हूं, तुम प्रेम करो बस, मैं तो तुम्हारा झूठन भी खाऊंगा। भगवान वैसे ही प्रेम करते हैं भक्त से जैसे एक माँ प्रेम करती है पुत्र से, क्यों जी। माँ को कोई घृणा है, कोई घृणा है? अच्छा, जो ममता आपके अंदर माँ बनने के बाद हुई ना, वो ममता माँ बनने के पहले नहीं थी। आप जितनी स्त्रियां हैं ना, शादी के पहले अलग होती हो और शादी के बाद आप अलग हो जाती हो, क्योंकि शादी के पहले आप माँ नहीं होती हो, क्योंकि जब तक आपका बच्चा नहीं होता तब तक आप माँ नहीं होती हो,
बेटी जब तक आपकी नहीं होती, बेटा जब तक आपका नहीं होता, तब तक आप माँ नहीं होती हो। इसलिए माँ जब तक आप नहीं हो ना, तब तक आपके अंदर ममता नहीं होगी। ममता प्रकट कब होती है? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन आप नहीं रह जाती, उस दिन स्त्री मर जाती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के संग माँ भी पैदा होती है। केवल अकेले बच्चे का जन्म नहीं होता, माँ का भी जन्म होता है। स्त्री मर गई और किसका जन्म हो गया? माँ का। बच्चे के पहले वाली स्त्री खत्म, अब बच्चे से एक नई माँ का जन्म हुआ जो बिल्कुल अलग है। स्वभाव अलग हो गया, व्यवहार अलग हो गया। पहले आपकी नींद कोई डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा आता था, हम जगा दिए, लेकिन अब आपका बच्चा पूरी रात आपको जगाएगा, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आएगा। अब बच्चा आपका पूरी रात आपको जरा भी रोया तो आप जाग जाएंगे। आप वही चीना जो आपको जरा जगा दे कोई तो गुस्सा आता था, लेकिन अब आपका बच्चा जरा भी करवट भी बदले तो आप जाग जाती है। बदल गई ना? किसने बदला आपको? आपके अंदर ना ये जो ममता जागी है ना, ये ममता के रूप में कोई और नहीं, आपके अंदर ममता के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये ममता भगवान का स्वरूप है, इसलिए तो मां को भगवान कहते हैं, स्त्री को भगवान नहीं कहते हैं। स्त्री को भगवान ही कहा गया है, मां भगवान है। क्यों जी? मां भगवान है, क्योंकि वो जो ममता है आपके अंदर, वो ममता उतने ही दिनों की, जरा दिनों की है वो ममता। धीरे धीरे पर वो ममता बनी रहेगी, लेकिन बच्चे में जो ममता होती है ना, फिर वो बड़ा हो जाए तो फिर इतनी ममता होती है ममता पर वो कम हो जाती है। ममता तो रहती ही है मां की, परंतु उतनी नहीं जितनी छोटे से बच्चे के लिए बस। और ये मां केवल तुम स्त्रियां नहीं, गाय भी जब मां बनती है ना तो फिर वो अपने बच्चे को लेकर बड़ी, उसके बछड़े को कोई छू दे ना जरा, वो सीधी सादी गैया भी दौड़ जाती है मारने के लिए कि दूर रहो। उसे ये लगता कि हमारे बच्चे को ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं लगता है। यहां तक कि बिल्ली भी जब मां बनती है, बिल्ली तो बिल्ली ना जरा समय आप जरा यूं करो ना तो डर के भाग जाती है बिल्ली, लेकिन वही बिल्ली जब उसके बच्चे को आप नुकसान पहुंचाना चाहोगे ना तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगी, पंजे आगे करके आपको डराएगी। उसका जितना जोर चलता है, मतलब बच्चे के लिए वो, मतलब उस बिल्ली के अंदर भी एक ममता जाग गई है, तब तक नहीं थी जब तक बच्चा नहीं था। तो ये जो ममता है ना, ये ममता के रूप में कोई और नहीं होता, माँ के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, इसलिए माँ में भगवान का दर्शन किया जाता है। और आज जगत के पालनहार साक्षात भगवान एक भक्त का उगलन खा रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम है माँ, त्वमेव माता, बाद में पिता, च पिता त्वमेव, है ना मेरी माँ। तो मंगल ने जब, भगवान ने मुंह में मुंह लगा के जब कढ़ी खाई तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान, संदेह ब्रह्मा जी को, ये कैसा भगवान। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए, ब्रह्मा जी ने चरते हुए बछड़ों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्म लोक ले गए, सुला दिया बछड़ों को, और बछड़े ढूंढने भगवान गए तो ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्म लोक में सुलाया। भगवान कृष्ण ने देखा कि ना तो जंगल में बछड़े हैं और ना तो मेरे स्थान पर ग्वाल वाल है, ना यहाँ ग्वाल वाल, ना वहां बछड़े, ना यहाँ ग्वाल वाल, ना वहां बछड़े। ब्रह्मा जी को, भगवान कृष्ण को लगा ये कौन है। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, जितने बछड़े ब्रजवासियों, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए उतने बछड़े स्वयं श्री कृष्ण बन गए।
एको हम बहु श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं। भगवान संकल्प से बन जाते हैं, अर्थात भगवान जो चाहे वो सोच ले तो वो हो जाता है। भगवान स्वयं बछड़े बन गए और जो ग्वालवाल चोरी कर लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान स्वयं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए ताकि